अयोध्या में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को अब केवल 2 दिन ही बचे हैं। सभी देशवासी इस महोत्सव को पर्व के रूप में मना रहे हैं। कई लोग अपने अपने स्तर से इस ऐतिहासिक तारीख को यादगार बनाने में जुटे हैं, तो वहीं खरगोन जिले के बड़वा में एक दिव्यांग चित्रकार ऐसा भी है जिसने अपने पैरों से अयोध्या के भव्य राम मंदिर को अपने पैरों से ब्रश के सहारे उकेरा है। इस पेंटिंग को बनाने में चित्रकार आयुष कुंडल को करीब 8 दिन लगे। बड़ी तल्लीनता के साथ उसने इस पेंटिंग को मूर्त रूप दिया। यह पेंटिंग भगवान राम के प्रति आस्था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार का प्रतीक है। इस पेंटिंग में आयुष ने अयोध्या में बन रहा भव्य मंदिर तो दर्शाया ही है, इसके साथ ही मंदिर में प्रवेश करते राम लक्ष्मण सीता भी दिखाए हैं। वहीं द्वार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खड़ा कर स्वागत की मुद्रा में दर्शाया है। आयुष की इच्छा है कि यह पेंटिंग वह मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव को भेंट करें। इसके लिए कलाकार आयुष की माताजी ने मुख्यमंत्री कार्यालय पर पत्र भेजकर समय भी मांगा है। उल्लेखनीय है कि 25 वर्षीय आयुष बचपन से ही सेरेब्रल पाल्सी जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है। वह बोलने, चलने, यहाँ तक कि बैठने में भी असमर्थ है, लेकिन अपने पैरों से वह कमाल की चित्रकारी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। और आयुष ने जो अभी राम जन्म उत्सव प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम चल रहा है, जो 22 जनवरी को स्थापित होने है, अपने सिंहासन पे विराजमान होने जा रहे हैं श्री राम जी, उस उपलक्ष्य में आयुष ने राम लक्ष्मण और जानकी की पेंटिंग बनाई है और उनका मंदिर भी बनाया है। आयुष ने मतलब सभी को मतलब सब अपने अपनी खुशी अपने हिसाब से जाहिर कर रहे हैं। कुछ प्रभात फेरी निकाल कर, कुछ हनुमान जी के जप कर कर, कुछ अक्षत कलश यात्रा निकल रही हैं। सब अपनी अपनी खुशी अपने हिसाब से जाहिर कर रहे हैं। तो आयुष को भी खुशी है कि इतने सालों बाद अपने राम जी अपने सिंहासन पे विराजमान होने जा रहे हैं। इतने सालों से वो टेंट में थे, तो आयुष को भी बहुत खुशी। तो वो बोले, मैं अपनी खुशी पेंटिंग बनाकर जाहिर करना चाहता हूँ। और इसी खुशी के अवसर पर उसने राम जी की पेंटिंग बनाई है और राम जी का पूरा मंदिर बनाया है। आयुष ने पैर से पेंटिंग बनाई है, क्या कारण है कि पैर से पेंटिंग बनाता है और किस तरह की इसको बीमारी है? आयुष जन्म से ही दिव्यांग है। इसको सेलिबर पल्सी एक बीमारी ही है, उससे ग्रस्त है। तो जन्म से ही वो मतलब 80% दिव्यांग है। उसके हाथ पैर वगैरह कुछ काम नहीं करते हैं, केवल एक पैर है जो भगवान की दया से मतलब भगवान की या कह सकते हैं कि गॉड गिफ्ट है कि उसके सहारे से ही पूरी पेंटिंग मतलब लिख भी लेता है, पेंटिंग बना लेता है, मोबाइल चला लेता है। इसी के सहारे वो सारा मतलब एक पेज से ही अपना सारा पेंटिंग का काम करता है, बाकी सारा काम उसका मैं ही करती हूँ। मोदी जी से क्या चाहता है मतलब आज? आयुष ने पेंटिंग बनाई, अभी मोदी जी ने भी न्यूज में एक में बोला था कि सब अपनी अपनी कला दर्शाओ और मुझ तक पहुँचाओ। तो आयुष ने अपनी कला उन तक पहुंचाने के लिए ही ये पेंटिंग बनाई है कि मैं अपनी खुशी भी जाहिर करूंगा और अपनी कला भी मोदी जी तक पहुंचाऊंगा और वो भी शायद मेरी पेंटिंग देख के खुश होंगे। तो इसलिए आयुष ने ये पेंटिंग बनाई है और सभी को मतलब ये पेंटिंग देख के खुशी ही होगी, क्योंकि एक पैर से पेंटिंग बनाई है और पैर की पेंटिंग बनाकर सभी मतलब लोगों को दिखाना चाहता है कि मेरी भी राम जी के जन्मोत्सव पर मेरी भी खुशी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।